बोलो आनंदे कबार हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गत पर्याय रे आमे सुनुथिले दशम स्कंदंकर द्वारका लीला 88तम अध्याय रे कुरुक्षेत्र रे सुंदर स्नान उद्देश्य रे एकत्रित होइथिबा भगवान श्रीकृष्ण एवं गोपांगना मानक मध्यरे उकुति प्रत्युकुति आज 89तम अध्याय रे प्रवेश रो सुयोग। बोलो आनंदे कबार हरि बोलो। अथ 89तम अध्याय कृष्ण रमणी गण जहि जेमते कृष्णे विवाह होई कहिले द्रौपदी अग्रत 89 रे ए चरित परस्पर भेट तो बहुत दिन परे हेछि ना तेणु भाव विनिमयटा निश्चय हब। परमहंस सुखदेव महामुनि गुरु चूड़ामणि परीक्षित को कहुचंती परीक्षित ए 89तम अध्याय रे भगवान श्रीकृष्णंकर रमणीगण अर्थात राणी माने किभली भाव रे भगवान को प्राप्त हेले ए संपर्क रे द्रौपदी को आगरे चर्चा करिवे। आसंतु करपत्र जुड़ी मन कर्ण दे श्रवण करिवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुक उवाच कहंति व्यासंकर सुत सुन सुमने परीक्षित कहंति व्यासंकर सुत सुन सुमने परीक्षित अखिल जन गुरु हरि ब्रज कामिनी बोध करी अखिल जन गुरु हरि ब्रज कामिनी बोध करी धर्मानंदन तुले जेते सुहृद बांधव समेते धर्मानंदन तुले जेते सुहृद बांधव समेते ताहंकु चाहि नंदवाल चाहि नंदवाल से पूछंती कुशल ताहंकु चाहि नंदवाल और से पूछंती कुशल नंदनंदन भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णंकर दृष्टि एथर कुरुवंशज आडंकु गला पंडुपुत्र माने निकटरे विराजमान थिले धर्मनंदन को उत्तम संभाषण करी तंकर भाई माननको आड़कु भगवानंकर दृष्टि पड़िला आलाप आलोचना भाव विनिमय प्रारंभ हेला। बोल नंद नंदन भगवानंकर कृष्ण वचन सुनी करने मने बंधु जने कृष्ण वचन सुनी करने आनंद मने बंधु जने कृष्णर पाद पद्म चाहिए
देहे पाप नाही कृष्णर पाद पद्म चाहे ताहंक देह पाप नाही बोलंती स्नेह गद गे चित्त निवेशी पद्म पादे बोलंती स्नेह गद गे चित्त निवेशी पद्म पादे भोनाथ सुन ऋषिकेश तो पाद पद्म मधुर स भोनाथ सुन ऋषिकेश तो पाद पद्म मधुर स भोलनंदनंदन भगवान की जय। भगवान तो करुणा ढाली देई से आसी जो जो मानकर सुहृद बांधव रूप से सेमाने तांकर दर्शन करी तांक देहरे आउ पाप नाही सेमाने समस्ते पापमुक्त हो जाइछन्ति भगवान को चाही तांकर ए पंडुपुत्र बांधव माने बड़ सुंदर स्तुति करुछन्ति हे ऋषिकेश आपण हेउछन्ति मधुरस हरि मोहत मुख झरे नीति जेकर न फुट रे पीबंदी मोहत मुख झरे नीति जेकर न फुट रे पीबंदी आपणकर कथा हेउची सेई मधुरस जेउ मधुरस महत जनमानंकर मुखरु सुंदर कथामृत लीलामृत हे झरी जाए झरी जाए झरी जाए आउ ये झरी जाऊथिबा कथामृत जे माने आशाई जे माने चतुर जे माने कृष्ण कथार पिपासु कर्ण डेरिया कर्ण पान करी नियंती आनंदित हे जांती विभोर हे जांती महत मुख झरे नीति जे कर्ण पुट रे पीबंती महत मुख झरे नीति जे कर्ण पुट रे पीबंती नित्ये पीबंती मुत भरी तेणे अज्ञान मार्ग हरी नित्ये पीबंती मुत भरी तेणे अज्ञान मार्ग हरी तांक अशुभ फल काही पुणी बोलंती कृष्णे चाही तांक अशुभ फल नाही पुणी बोलंती कृष्णे चाही भोलनंदनंदन भगवान की जय। कले जेउ माने आपणंकर कथा को आकर्ण पान करती महाप्रभु तांकर अशुभ बोली आउ किछि ना तांकर सब शुभ भोलनंदनंदन भगवानंकर जय। भोलनंदनंदन भगवान की जय। पुणी श्री कृष्णंग उद्देश्य रे कहुचंती भोलानंदे गवार नाथ सुन पूर्ण काम निर्मल तोर आत्मधाम नाथ सुन पूर्ण काम निर्मल तोर आत्मधाम माया अंकुर परकाश चार स्मरणे जाए नाश माया अंकुर परकाश चार स्मरणे जाए नाश हे महात्मा श्री कृष्ण आपणंकर नामर उच्चारण आपणंकर नामर श्रवण जदि ए हृदय भूमि रे केबे केबे मायार अंकुर गजा खाउताय ताहाकु नष्ट करिबाकु सक्षम जेउ माने आपणंकर नाम श्रवण करंती जेउ माने आपणंकर नाम को गुणन करंती उच्चारण करंती
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାୟା ରୂପକ ବୀଜ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଦୈବାତ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଆହା କେଡ଼େ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରୀତି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ। ହରି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସିନ୍ଧୁ ନାବ ଅଖଣ୍ଡ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବ। ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସିନ୍ଧୁ ନାବ ଅଖଣ୍ଡ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବ। ନିଗମେ ଯେବେ ବିନ ସନ୍ତି କାଳ ସର୍ଜିତ ମାୟା କୃତି। ନିଗମେ ଯେବେ ବିନ ସନ୍ତି କାଳ ସର୍ଜିତ ମାୟା କୃତି। ସ୍ୱରୂପେ ଥାଇ ଜନ ହିତେ ତୁ ଦେ ହବ ହୁଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱରୂପେ ଥାଇ ଜନ ହିତେ ତୁ ଦେ ହବ ହୁଏ ଜଗତେ। ନିଜ ପରମହଂସ ଗତି ଆମ୍ଭର ତୋର ପାଦେ ମତି। ନିଜ ପରମହଂସ ଗତି ଆମ୍ଭର ତୋର ପାଦେ ମତି। ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ପରମହଂସ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି କେବଳ ଜନହିତରେ ଜାରି। ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କର, ନିଜର ସକଳ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିଦେଇ କେବଳ ଜନହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତୁମେ କିଏ ନା ତୁମେ ହେଉଛ ଅଖଣ୍ଡ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବ। ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ତୁମେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଉଣା ନାହିଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତର ଭାବ, ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବ। ପୁଣି ତୁମେ କିଏ ନା ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସିନ୍ଧୁର ତୁମେ ହେଉଛ ନାବ। ଆମେ ଯେମିତି ଜଳ କିଳି କରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ନେଇ ବୋଟ୍ଟିଏ ନେଇ ଜଳରାଶି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଜଳ କିଳି କରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦ ସୁଖର ସିନ୍ଧୁ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସିନ୍ଧୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ କିଳା କରିବେ, ଜଳ କିଳି କରିବେ, ଜଳ ବିନୋଦ କରିବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନାବ କରିବା ଦରକାର। ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହରି ନିଗମେ ଯେବେ ବିନସନ୍ତି କାଳ ସର୍ଜିତ ମାୟା କୃତି। ନିଗମେ ଯେବେ ବିନସନ୍ତି କାଳ ସର୍ଜିତ ମାୟା କୃତି। ସ୍ୱରୂପେ ଥାଇ ଜନ ହିତେ ଦେହ ବହୁ ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱରୂପେ ଥାଇ ଜନହିତେ ତୁ ଦେହ ବହୁ ଏ ଜଗତେ। ନିଜ ପରମହଂସ ଗତି ଆମ୍ଭର ତୋର ପାଦେ ମତି। ନିଜ ପରମହଂସ ଗତି ଆମ୍ଭର ତୋର ପାଦେ ମତି। ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। ଏମନ୍ତ ଜନେ ସ୍ତୁତି ଭଣୀ ଉତ୍ତମ ଯଶ ଶିଖାମଣି। ହେମନ୍ତ ଜନେ ସ୍ତୁତି ଭଣୀ ଉତ୍ତମ ଯଶ ଶିଖାମଣି। ସମୀପେ ଦେଖିନ ରହରି କୃଷ୍ଣି ଅନ୍ଧକ ପୁରୁ ନାରୀ। ସମୀପେ ଦେଖି ନ ରହରି ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ଧକ ପୁରୁ ନାରୀ। ଆନନ୍ଦେ ବସି ମନ ସୁଖେ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଥା ମୁଖେ।
आनंदे बसी मन सुखे कहती कृष्ण कथा मुखे एक आर एक मुख चाही त्रैलोक्य तरे जाहागाई एक आर के मुख चाही त्रैलोक्य तरे जाहागाई तोरे जागाई त्रैलोक्य तोरे जागाई तोरे जागाई त्रैलोक्य तोरे जागाई बोल नंदनंदन भगवान की जय कुरुक्षेत्र रे समवेत जनता भगवान श्री कृष्णंकर गुण गाउचंती गाउचंती आउ गाउचंती हे परीक्षित त्रैलोक्य जहार जस गाई परित्राण हो जाए आज सुजोग मिली सौभाग्य मिली तांकरी गुणगान करी ए भवसागर रु उद्धार हवा बोल नंद नंदन भगवान की जय कृष्ण पत्नी को मुख चाही द्रौपदी हर से बोलई कृष्ण पतिक मुख चाही द्रौपदी हर से बोलई देव इधर भी रूप सिले हे जाम्बवती कौशले रूपसिले हे जाम्बवती कौशले हे सत्य भामर रवि सुते शैव्या लक्ष्मण आदि जेते हे सत्य भामर रवि सुते शैव्या लक्ष्मण आदि जते भद्रा रोहिणी आदि करी षोल सहस्र जेते नारी भद्रा रोहिणी आदि करी षोल सहस्र जेते नारी के मन्ते कृष्णं कुबरिल हे माया भवु निस्तरिल हे मन्ते कृष्ण कुबरिल हे माया भवु निस्तरिल कह श्रवणे इच्छा मोर हे मन्ते कृष्ण तुम्भ वर कह श्रवणे इच्छा मोर हे मन्ते कृष्ण तुम्भ वर बोल आनन्दे गवार द्रौपदी श्रीकृष्ण भगवानंकर सकल अष्टपाटवंशी आउ षोल सहस्र नारी राणी माने तंको मेलरे पहुंची गले हे सत्यभामा हे जाम्बवती हे रोहिणी आपण माने सतरे बड़ धन्या जगत जहांकु खोजी बुलुची आपण माने ताहांकर अंक साइनी होईचंती कि भाव कल कि पुण्य कल केमिति कृष्णंकु बर रूपरे पाइल कहिले कहिले सेई कथा टिके सुनिबा पई मोर भारी मन होउछे द्रौपदींकर आग्रह आउ प्रश्नर उत्तर किभलि हबो सुखदेव परमहंस कहुचंती आस मन दे श्रवण करिबा सप्रेम कहिबा बोल नंद नंदन भगवान की जय इमन्ते द्रौपदी वचने रुक्मिणी कहे तो समने हे मन्ते द्रौपदी वचने रुक्मिणी कहे तो समने रुक्मण मोर ज्येष्ठ भाई
शिशुपालकु देवा पाई रुक्मण मोर श्रेष्ठ भाई शिशुपालकु देवा पाई मंगल लग्ने बर बरी राजा ए नाना शस्त्र धरी मंगल लग्ने बर बरी राजा ए नाना शस्त्र धरी मोती आबुरी राजपथे अनेक नर नारी साथे मोते आबरी राजपथे अनेक नर नारी साथे हेमंत काले चक्र पाणी दुर्जय रिपु युद्ध जिणी हेमंत काले चक्र पाणी दुर्जय रिपु युद्ध जिणी मोते हरिले एकरथे सिंह जेसने मेष जुथे मोते हरिले एकरथे सिंह जेसने मेष जुथे तार श्रीयुत पद्म पादे चित्त मो सेवु अप्रवादे तार श्रीयुत पद्म पादे चित्त मो सेवु अप्रमादे चित्त मो सेवु जय प्रमादे चित्त मो सेवु अप्रमादे हरि बोल चित्त मो सेवु अप्रमादे 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 बोल नंदनंदन भगवान की जय। प्रथमे कथा आरंभ कले रुक्मिणी रुक्मिणी कहिले बुझिल कि द्रौपदी मु भगवान श्रीकृष्णंकर चरणारविंदरे काय मन वाक्य सबु समर्पण करि देई थाए किंतु मोर बड़ भाई रुक्मण तांक सांग शिशुपाल सहित मते बाहा देबे बोली अनेक राजांकु डकेई मते आड़ करी राजदंडरे नेउथिला बेले सिंहर पराक्रम नै मते समस्तंकर मेलरु अपहरण करी निज पाद तले आश्रा देथिले मोर प्राणनाथ जदुनाथ बाणी आजी कहुचंती एठी विश्राम नवा पाई किंतु रुक्मिणी मांकर जो सुंदर वाक्य जे चित्त मो रहु अप्रमादे तांकरी चरणारविंदरे सेतिके आमे अभ्यास करिबा आगामी पर्याय रे भेट होबा सप्रेम कहिबा बोल नंद नंदन भगवान की जय। प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।